देखो ये ना चावलों की थैली थी। अब मैं आज आपको बताऊंगा इसको उपयोग क्या करना है। मैंने क्या किया था, कैंची से इसको पहले कट कर लिया था, मैं काट चुका हूँ इसलिए आपको बताऊंगा कि कैंची से कट किया था ऐसे। अब मैं इसके अंदर मिट्टी डालूंगा, जो भी मेरी सब्जी के खाद छिलके होते थे मैं इसमें डाल दिया करता था। अब मैं धीरे धीरे इसको फुल कर दूंगा। देखिए ये मैं पौधे नर्सरी से लाया हुआ हूँ, अब मैं इसमें ये लगा दूंगा और कुछ देर के बाद ये मेरा सुंदर सा बगिया तैयार हो जाएगी। देखिए मैं लाया इसको, लगाने का तरीका ये कि आप इसको फाड़ लेते हो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ऐसे करना है, ऐसे डाल के इसमें इसमें क्योंकि नर्सरी से ही फूल लगा हुआ आया था इसलिए मुझे फूल का इंतज़ार नहीं करना पड़ा। एक मैं इसमें सफ़ेद लगाऊंगा और एक बार लगाऊंगा, दो पौधे लगा दूंगा इसके अंदर। बस देखिए ये लग गया, ये गमला तैयार हो गया और मेरा गमला तैयार। ठीक है, थैंक यू। इसके बाद ना ये तेल के डिब्बे थे, हम जो तेल लाते हैं मार्केट से, ये खाली हो गए। आप क्या करते हैं इसको फेंक देते हैं, फेंकना नहीं है इनको। मैं बताता हूँ, मैं कटर भी ले सकते हैं, मेरे पास आरी है, मैं बड़े चंग से काट सकता हूँ, इसलिए मैं इसको आरी से काटना प्रेफर करूंगा। स्टार्ट। अब देखो इसके ये दो बन गई है। स्टार्ट। अब देखिए इसमें ऐसे छेद कर लेंगे हम ये, ताकि इसमें पानी निकलने की जगह बन जाए। स्टार्ट। अब देखो इसमें चार होल मैंने कर दिए हैं ये, ताकि पानी जो एक्सेस वाटर होगा बाहर आ जाएगा इससे। स्टार्ट। ऐसे ही तीन छेद हमने इसमें कर लिए हैं। स्टार्ट। ऐसे ही इन दोनों हम बॉक्स डिब्बों को हम मिट्टी से भर लेंगे, जो मिट्टी मैंने खाद किया आपको बताया था ना, इकट्ठी की हुई है, इसमें सब्जी भी है, पेड़ पौधों की पत्तियां भी इसमें इकट्ठी की हुई है, ये कंपोस्ट है पूरा मेरा। स्टार्ट। देखिए मैंने दोनों इन गमलों को, जो अब मैं गमला बोलूंगा इनको, इनको मिट्टी मिट्टी से फिल कर दिया मैंने। और इसमें मैं ये गमला, ये जो पौधा है मेरा छोटा सा नर्सरी से लाया हुआ, ये मैं इसमें इसमें लगा दूंगा। यदि मेरे पास ये नहीं होते तो मुझे बाजार से गमले लाने पड़ने थे, जो कि 50 या 60 रुपये से कम नहीं आते। ये मेरा मुफ्त में काम चल गया और थोड़े दिन के बाद इसमें बिल्कुल फूल लहलाएंगे। मैं ये वीडियो तब आपको फिर दिखाऊंगा।